फल व सब्जी विक्रेताओं पर DFSC का नियंत्रण खत्म होने से अब ग्राहकों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। फल व सब्जी विक्रेता जब DFSC के नियंत्रण में थे तब भी वे अपनी दुकान पर रेट लिस्ट नहीं लगाते थे और मनमाने रेट ग्राहकों से वसूल करते थे, लेकिन अब तो उनको प्रदेश सरकार ने भी खुली लूट करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। फल व सब्जी विक्रेताओं पर DFSA का नियंत्रण खत्म होने से अब ग्राहकों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। फल व सब्जी विक्रेता जब DFSA के नियंत्रण में थे तब भी वे अपनी दुकान पर रेट लिस्ट नहीं लगाते थे और मनमाने रेट ग्राहकों से वसूल करते थे, लेकिन अब तो उनको प्रदेश सरकार ने खुली लूट करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब रहे कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले ई कंट्रोल ऑर्डर्स को होल्ड कर दिया है। इन आदेशों के बाद प्रदेश के सभी जिलों में फल व सब्जी विक्रेताओं पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक का नियंत्रण समाप्त हो गया है। नियंत्रण के खत्म होने से अब विक्रेता रेट लिस्ट लगाने के लिए बाध्य नहीं होंगे और भी उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूलेंगे, जिसका सीधा नुकसान आम लोगों की जेबों पर पड़ेगा। इसके अलावा जिलों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं व ढाबों और होटलों के दामों को तय करने के आदेशों को भी होल्ड किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में दाम अनियंत्रित हो सकते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित किए जाते हैं। इसकी अधिसूचना प्रत्येक जिला दंडाधिकारी के माध्यम से की जाती है। इन तय दामों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए जिला नियंत्रक व संबंधित क्षेत्र का निरीक्षक समय समय पर औचक निरीक्षण कर दुकानों पर रेट लिस्ट की चेकिंग करते हैं, वहीं ढाबों में भी दाम चेक करते हैं। इस निरीक्षण में खामी पाए जाने पर चालान भी काटे जाते हैं, लेकिन दो दिन पहले जारी अधिसूचना संख्या FTSC 14/1/2017 के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी कंट्रोल ऑर्डर्स को आगामी आदेशों तक अस्थगित रखा गया है। इन आदेशों के बाद अब विभागीय अधिकारियों का विक्रेताओं पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा, फलस्वरूप वे मनमर्जी के दाम उपभोक्ताओं से वसूलेंगे। इसका सीधा नुकसान आम लोगों को होगा और उन्हें मजबूरन ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। वहीं विभाग द्वारा किराना होलसेलर्स को जारी किए जाने वाले लाइसेंस की शक्तियां होल्ड की गई हैं। DFSA जिला कांगड़ा नरेंद्र धीमान ने बताया कि उनको आदेश प्राप्त हुए हैं और आगामी आदेशों तक इनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये कंट्रोल ऑर्डर होल्ड किए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसके अनुसार उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कुछ कंट्रोल ऑर्डर पारित कर रखे थे, जिनमें मुख्यतः हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एंड प्रॉफिटेरिंग प्रिवेंशन ऑर्डर 1977, इसके अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को किन्हीं आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सेल रेट जो निर्धारित करने की पावर थी, और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कॉमोडिटीज प्राइस मार्किंग एंड डिस्प्ले ऑर्डर 1970, इसके लिए इन दुकानदारों को जो सेल करते थे आइटम्स उनकी रेट लिस्ट डिस्प्ले करना अनिवार्य था, तथा हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्स लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल ऑर्डर 1981, इसके अनुसार जो करियाना व्यापारी थोक में कारोबार करना चाहते थे उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले काल ही एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके अनुसार अब इन तीनों कंट्रोल ऑर्डर्स को इन अवेयर्स रखा है, यानी कि अगले आदेशों तक ये प्रभावी नहीं होंगे, और जब सरकार को उचित लगेगा तो शायद बहाल भी होंगे, लेकिन जब तक ये कंट्रोल ऑर्डर इन अवेयर्स रखेंगे तब तक विभाग जो है इस इन ऑर्डर्स के अंतर्गत कार्रवाई नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच। वहीं जब इस बारे ग्राहकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब DFSA का नियंत्रण इन वस्तुओं पर होता था तब भी वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे, और अब इन वस्तुओं पर DFSA का नियंत्रण खत्म कर दिया है तो ये लोग मनमाने रेट उनसे वसूलेंगे और उनकी जेबें ढीली होंगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जो आदेश DFSA को दिए हैं उनको वापस ले। ये दो चार दिनों के अंदर जो हिमाचल सरकार का निर्णय आया है कि खाद्य पूर्ति विभाग हमारा सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट फलों की सब्जियां और ढाबे रेस्टोरेंट का नियंत्रण उनसे हटा दिया गया है, ये सरकार का जो निर्णय है ये तर्कसंगत नहीं है और सरकार को इनका इन पर कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे भी जो सब्जी वाले हैं ये मनमाने दाम अपने लगाते हैं,
रेस्टोरेंट वाले मनमने दाम लगाते हैं, फर्जी इनकी बिलबुके होती हैं, ढाबों वालों की भी लूट बची हुई है और हमारा जो पर्यटन मुख्य व्यवसाय है हिमाचल प्रदेश का, इस पर बहुत असर पड़ता है। लोग आते हैं, उनको लूटा जाता है और जो भी फल फ्रूटियां खरीदते हैं उनको मनमाने दाम लगाए जाते हैं। तो ये या तो मैं समझता हूं कि सरकार इस पर कोई और ठोस नीति ला रही है या किसी और विभाग को इसका कंट्रोल दे रही है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ निर्णय सरकार का नहीं हुआ है। तो सरकार को ये सिविल सप्लाई के अंडर ही रखना चाहिए जिससे कि इनकी रेट लिस्ट लगे ताकि लोगों को लूटा न जाए। इससे आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, हर वर्ग का आदमी सब्जी लेता है जो बहुत महंगे दामों पर ये मनमानी रेट करते हैं। जब जैसे कांगड़ा और धर्मशाला का ही कंपैरिजन करें तो कांगड़ा और धर्मशाला में फल फ्रूट सब्जी के रेटों में आसमान जमीन का अंतर होता है। हमारी यहाँ सब्जी मंडी खोली गई थी माननीय किशनपुर जी के निर्देश द्वारा, लेकिन वो भी कुछ लोकल जो कांगड़ा के व्यापारी थे उन्होंने अपनी मोनोपोली करके वो दुकानें ले ली हैं। उसमें जो कंडीशनें रखी गई थी वो लगता है व्यापारियों के हित में थी। तो जो धर्मशाला में सब्जी मंडी खुली है उससे भी धर्मशाला निवासियों को कोई ज्यादा रेटों में फर्क नहीं पड़ा है। इससे तो कांगड़ा और गग्गर में सब्जी काफी सस्ती मिलती है। तो मैं तो मेरा मानना है कि इसको सिविल सप्लाई महकमे के अंडर रखना चाहिए और हर दुकानदार को रेट लिस्ट लगाने के लिए बाध्य करना चाहिए, और अगर ये नियंत्रण हटा देंगे तो फिर तो ये जनता को उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय हिमाचल सरकार के अन्य विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि इन रेटों के ऊपर और सरकार इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और इनको जरूरी विभागीय सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के अंडर किया जाए। भक्तों, चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।